मेरी मेरी बच्ची अनमोल अनमोल आ गई। अरीबा कहाँ? ए इधर, अरीबा कहाँ? मुझे क्या पता, अब अपने घर पे होगी। देख, मुझसे झूठ बोलने का तो सोचना भी मत। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम उसकी दोस्त। चलो बताओ, किसके साथ भाग गई? कहाँ है इस वक्त? अगर मुझसे कुछ छुपाया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? क्या? अरीबा भाग गई? ए, ये अनजान बनने की एक्टिंग मत कर मेरे सामने। देखो, तुम उसकी दोस्त हो, है ना? चलो बताओ, शाबाश। कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, किसके साथ उठती बैठती थी और किसके साथ भाग गई? देख लड़की, शराफत से बताएगी तो तेरे लिए भी अच्छा होगा। बुलवाना तो आता ही है ना सदीकी? श्राई, ये क्या क्या कह रही है? पता नहीं बाबा, मैं सच में इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। हरी मतलब बात की में जमाना हो गया। ये इसको बोल सकती है ताई? झूठ बोल रही। जब बुशरा कह चुकी है वो कुछ नहीं जानती, तो क्यों उसके पीछे पड़े हो? तेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। हम पहले ही बहुत परेशान। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अल्लाह के वास्ते हमें मजीद परेशान करना छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। रहम खाओ हम पर और हमारे हाल पर। जो खुद तकलीफ में हो वो किसी को अजियत नहीं पहुंचाता। हाँ, मेरे अल्लाह, मैं यारो मददगार हूं। तेरे अलावा कोई नहीं है मेरी फरियाद सुनने वाला। बेशक तू हर चीज पे कादिर है, मुझे मेरे बाबा और बहन से मिलवा दे। मैं खुद को तेरी पनाह और हिफाजत में देती हूं।
मेरी मदद करना, दादा मेरी मदद करना। कहाँ जा रही हो तुम? शाजिया मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कहाँ जा रही हो तुम? आपको क्या लगता है इतना बड़ा इल्जाम सहने के बाद मैं आपके साथ इस घर में रहूंगी? नहीं, हरगिज नहीं। मैं जा रही हूं इस घर को छोड़कर। अच्छा है ना, मेरी जैसी बुरी बीवी से आपकी जान छूट जाएगी। शाजिया तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, मेरा और दिमाग खराब मत करो। कपड़े रखो अलमारी में। अगर तुमने इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकाला ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। आप अब भी मुझे धमका रहे हैं? आपको सिर्फ अपनी परेशानी नजर आ रही है, मेरा दुख नजर नहीं आ रहा है। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आपने मुझ पर, और आप चाहते हैं कि मैं चुपचाप ये सब सहती रहूं? नहीं वसीम, अब नहीं। मैंने आपकी खातिर इस घर में बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं, ये इल्जाम नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं जा रही हूं, आपको जो करना है आप कर लें। तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं शाजिया, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए और तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। आप मर्दों के पास सिर्फ एक यही तो हथियार होता है, आपको जो करना है आप कर लें, मगर मैं अब इस घर में और नहीं रुकूंगी। अभी भी आप मुझे धमका रहे हैं, अपनी गलती का एहसास करने के बजाय मुझे धमका रहे हैं। इतने बेहिस तो ना बने वसीम, आपकी इस बेहिसी ने हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया है। मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, समझी तुम? शाजिया, ये सब क्या हो रहा है वसीम?